हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे FCI मेंस एग्ज़ाम 2019 के बारे में, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है फाइनल एनालिसिस के बाद, आपका सेव अटैम्प्ट कितना रह सकता है और जो आपका लेवल का एग्ज़ाम था वो कैसा आया था। तो दोस्तों, पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में FCI मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको FCI एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो कैसा था। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है यहाँ पर रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, GK और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर दोस्तों, अगर किसी छात्र ने यहाँ पर पढ़े तो कंप्यूटर का पेपर काफ़ी ईजी था, यहाँ पर कहे तो ठीक ठाक था। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का लेवल यहाँ पे थोड़ा जो है मॉडरेट लेवल की थी। आपको पता है इसमें बैंकिंग पैटर्न था, तो दोस्तों जो मैथ्स और रीजनिंग थी यहाँ थोड़ी ठीक ठाक थी, और जो DI आया था वो भी मॉडरेट था। तो अगर हम पूरे पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट जो था आपका एग्ज़ाम आया था यहाँ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली AG जनरल थर्ड और AG थर्ड डिपो के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर AG जनरल के बारे में, जो कट ऑफ क्या जा सकती है जोन वाइज। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे AG जनरल के लिए, नॉर्थ जोन के लिए। तो यहाँ पे हम अगर आपकी वैकेंसीज की बात करें तो 256 आपके यहाँ पे टोटल वैकेंसीज थी, और अगर हम यहाँ पे बात करें आपके लिए जनरल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल की कट ऑफ जो आपकी है 76 के आसपास या उससे कहीं प्लस रह सकती है। OBC कहे तो आपकी 72 के आसपास रह सकती है, SC का यहाँ पे तो आपकी 68 के आसपास, और ST की का है आपकी यहाँ पे तो 65 के आसपास जो कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, आप इसमें प्लस 4 करके चले यहाँ पे, क्योंकि आपकी कट ऑफ है इतनी तो यहाँ पे मिनिमम रहेगी ही रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जोन के लिए, जो आपकी कट ऑफ है यहाँ क्या रह सकती है। अगले जोन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साउथ जोन में अगर वैकेंसीज़ की बात करें हम यहाँ पर, तो 159 वैकेंसीज़ थी। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपटीशन तो हर जगह ही हाई रहने वाला है, चाहे कहीं भी कितनी पोस्ट हो, चाहे वो कोई सा भी जोन हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो हर जगह से हर कोई ना कोई यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करता है। तो बात करें दोस्तों अगर साउथ जोन के लिए यहाँ पर, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 75 के आसपास रहने वाली है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 73 के आसपास, SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 70 के आसपास, और ST कैंडिडेट्स के लिए 68 के आसपास जो आपकी कट ऑफ है रह सकती है। अगले जोन की अगर हम बात करें कि जो आपकी कट ऑफ है कितनी रह सकती है इस जोन में, तो वैकेंसीज़ अगर देखें हम यहाँ पे तो 105 वैकेंसीज़ हैं आपके यहाँ पे, और जनरल कैटेगरी के लिए बात करें कट ऑफ कितनी रह सकती है तो 74 के आसपास रह सकती है यहाँ पे कट ऑफ। OBC के लिए बात करें यहाँ पे तो 72 के आसपास, और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 68 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है यहाँ रह सकती है। अगला जो जोन है दोस्तों यहाँ पे बेस्ट जोन है। अगर बेस्ट जोन की अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, तो लगभग यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 124, और दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो लगभग सेम ही आपकी कट ऑफ रहने वाली जो वहाँ पे पिछली कट ऑफ हमने बताई थी। अगला जोन है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोन में 112 वैकेंसीज़ हैं आपकी यहाँ पे, और जो लगभग आपकी कट ऑफ है यहाँ पे भी सेम रहने की उम्मीद है। या आप यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस 2 करके चल सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो छात्रों ने हमसे मार्क्स शेयर किए, तो उसके बाद ये पूरा एनालिसिस प्रीवियस ईयर आपको पता ही है, ये 4 साल बाद 2015 के बाद 2019 में अब एग्ज़ाम हो रही है इसकी, तो जो आपकी कट ऑफ है कितनी रह सकती है पूरा एनालिसिस करने के बाद हम यहाँ पे लेके आए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों AG रिपोर्ट थर्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नॉर्थ जोन में, जैसे कि आप सबको पता है 1013 वैकेंसीज़ थी यहाँ पर। अगर कट ऑफ की बात करें हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो 80 से 82 के आसपास आपकी जो कट ऑफ रह सकती है। OBC के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लगभग जो आपकी कट ऑफ है यहाँ पे 75 के आसपास रह सकती है दोस्तों। और SC कैंडिडेट्स की हम बात करें यहाँ पे तो 70 के आसपास, और ST की कैंडिडेट्स की बात करें 65 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है यहाँ रह सकती है। अगला जो जोन है दोस्तों अगले जोन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो साउथ जोन में 213 वैकेंसीज़ है, और जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ 76 से 78 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है रह सकती है। OBC कैंडिडेट्स की बात करें यहाँ पर 72 से 75 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, और SC ST कैंडिडेट्स की बात करें हम यहाँ पे तो 58 से 66 के आसपास आपकी जो कट ऑफ रह सकती है। अगले जो जोन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अगला जोन है ईस्ट जोन, और ईस्ट जोन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो आपकी वैकेंसीज है 61 वैकेंसीज़ है,
और अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम यहाँ पे कि आपकी जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो लगभग 75 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी के लिए 73, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए लगभग यहाँ पे 58 से 65 के आसपास आपकी जो कट ऑफ रह सकती है। अगला जो जोन है, अगर अगले जोन की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन में आपकी 353 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करें हम यहाँ पे जो कट ऑफ है तो 74 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी कट ऑफ 68 से 72 के आसपास रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की कट ऑफ यहाँ पे 64 प्लस रह सकती है, और एसटी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 60 प्लस आपकी जो कट ऑफ है रह सकती है। अगला जो जोन है यहाँ पे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे टोटल 131 पोस्ट है, और जनरल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है 74 के आसपास रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की हम बात करें यहाँ पे 68 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपकी कट ऑफ है लगभग 64 के आसपास रहेगी, और एसटी कैंडिडेट्स की लगभग यहाँ पे 62 प्लस आपकी जो कट ऑफ है रह सकती है। अब दोस्तों हम आपका सेव अटैम्प्ट बताते हैं, यहाँ पे जो सेव अटैम्प्ट है ओवरऑल कितना रह सकता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता है जो आपका रीजनिंग और क्वांट है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कंपटीशन हर फील्ड में ज़्यादा हो चुका है, तो कम से कम आपको यहाँ पे सेव अटैम्प्ट अपने यहाँ पे इतने तो होना चाहिए। और कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे, तो कंप्यूटर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहिए था। जीके में ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। तो बात करते हैं दोस्तों आपका सेव अटैम्प्ट्स के लिए यहाँ पे कितना रह सकता है। तो रीजनिंग की बात करें हम दोस्तों यहाँ पे, अगर आप रीजनिंग का करें तो 20 से 23 के बीच में आपका जो सेव अटैम्प्ट यहाँ रहना चाहिए। अब कई छात्र कहेंगे सर ये तो काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग काफ़ी हार्ड आई थी, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ताकि आपका इतना तो होना ही चाहिए। अगर क्वांट की हम बात करें यहाँ पे आपका, तो 11 से 12 आपका सेव अटैम्प्ट है यहाँ पे। इंग्लिश की बात करें हम यहाँ पे, तो आपका 12 से 15 के बीच आपका यहाँ पे सेव अटैम्प्ट है। जीके की बात करें हम यहाँ पे, तो आपके 15 से 20, और कंप्यूटर की बात करें हम यहाँ पे दोस्तों, तो 13 से 15 के बीच में आपका यहाँ पे सेव अटैम्प्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल सेव अटैम्प्ट की बात करें हम यहाँ पे कि आपका ओवरऑल कितना होना चाहिए, तो दोस्तों ओवरऑल करें तो 80 से 85 के बीच आपका यहाँ पे सेव अटैम्प्ट होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम एक ओवरऑल कट ऑफ बता दें कि आपके अगर इतने कितने बीच में है, तो आप अपने आप को सेव समझ सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स की बात करें दोस्तों यहाँ, तो 78 से 82 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 68 से 75 के आसपास, एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 63 से 66, और एसटी कैंडिडेट्स के लगभग यहाँ पे 58 से 64 तक आपके मार्क्स है, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं। तो दोस्तों एकदम पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ लेके आए, और दोस्तों हम आपको सेव अटैम्प्ट भी बता चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यहाँ पे FCI मेंस एग्जाम 2 से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सारी क्वेरीज़ को यहाँ पे जरूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।